हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोज केसरी ए टू जेड में। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ग्लास फ्रिज पेप्सी की, जो कि हमारे पास कल डिलीवरी हुई है। और हम ग्लास फ्रिज की जानकारी पूरी तरह से आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बोलो और खोलो खोलो खोलो। हाँ चल उठाओ। चल हटाओ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आ चुकी है हमारी फ्रिज आपके सामने, जो कि पेप्सी कंपनी की चमचमा रही है एकदम। तो चलिए इसको देखते हैं अंदर से। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारी कंपनी की पेप्सी की फ्रिज, जो कि हमें कल डिलीवरी में मिली है। हमारे फार्म भरने के एक महीने बाद यह फ्रिज आई है हमारे पास। और इसके दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों इंजॉय रिफ्रेशिंग पेप्सी की बैनर लगी हुई है, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसमें राइट साइड में दिए गए हैं ग्लास, जिससे सारी बोतल हमारी बाहर से दिख सके। तो यह इस तरह से कुछ दिखाई देता है। और ये पेप्सी वाला ऊपर वाला बैनर जो है, इसमें लाइट नाइट टाइम में राइट लाइट जलती है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। चलते हैं पेप्सी फ्रिज के अंदर, देखते हैं और क्या क्या कंपनी ने इसके अंदर इंस्टॉल की है। तो सबसे पहले हमको मिलता है एक डोर हैंडल, जो कि काफ़ी मजबूती से लगाया गया है और बहुत ही फैशनेबल लग रहा है। तो इसको हम खोलते हैं। खोलने के बाद हमको डोर के सारे चारों तरफ रबड़ दिखाई देते हैं, जो कि रबड़ लगाए गए हैं ताकि इसकी हवा लीकेज ना हो। और यार देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और फ्रिज के अंदर घुसते ही ये पेप्सी की इमेजिंग मिलती है सारी पट्टियों पर। और यहाँ पर कुछ कंपनी ये एसी एडजस्ट करने के लिए रोलर दिया गया है और के नोट्स दिए गए हैं। ये है एसी फैन, जो कि इसमें हवा को एडजस्ट करते हैं। और ये कुछ कंपनी के नोट्स। और फ्रेंड्स, ये है एलईडी लाइट्स एमएक्स 10 वाट, जो कि 10 वाट की एलईडी मिलती है, जो कि फ्रिज में ऊपर से नीचे तक लगाई गई है, जो कि रात में जलने पर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। और फ्रेंड्स, ये कंपनी की तरफ से कुछ चीजें इंस्टॉल करने के लिए मिली हैं, जो कि हम इन्हें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो ये है पेप्सी ओपनर बॉक्स, जो पेप्सी के ढक्कन को खोलने के बाद इसमें जो है कि सारा ढक्कन एडजस्ट हो इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कहीं भी इकट्ठे कर रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है कंपनी का। और इसमें मिला है हमको ये मिला है ये स्टैंड, जिसको फ्रिज के पीछे दीवार में कस दिया जाएगा, ताकि फ्रिज दीवार से टच न हो पाए और गंदगी न हो पाए। तो इसको फ्रिज के पीछे दीवार में इंस्टॉल किया जाता है।
और ये है पेप्सी के कुछ पेपर्स जिसमें इस फ्रिज के सारे प्रोसेसर प्रोसेस दिए गए हैं, किस तरह से फ्रिज को बनाया गया है, किस तरह से इसको इंस्टॉल किया गया है, सारी जानकारी इस कॉपी के इस नोटबुक के अंदर मिल जाती है आपको। और कुछ कंपनी के रूल्स दिए गए हैं, तो फ्रेंड इस फ्रिज के डोर में जो है कि चुंबक लगाया गया है ताकि यह खोलने के बाद अपने आप जाके अच्छे से चिपक जाता है और ओपन नहीं होता है। दिए गए हैं जो कि कंपनी के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से फ्रिज को रखना है, तो फ्रिज को बंद करके नहीं रखना है, और फ्रिज का खर्चा भी कम आता है, और इसमें जो है कि स्टैंड इसमें बोतलों को जो है कि खड़ा करके रखना है, और कूलर या गैस या फिर धूप में इसको खड़ा नहीं करना है। तो चलिए एक बार हम दिखा देते हैं आपको इसके पीछे का लुक। तो ये है फ्रिज के पीछे आ चुके हैं हम लोग, तो यहाँ से दिया गया है ये कुछ तार दी गई है, ये इमेजिंग फ्रेंड्स। इस ओपनर बॉक्स को लगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इस दिए हुए छेद को हमें इस पेंच के ऊपर लटका देना है बस, और कुछ नहीं करना है, और ये हमारा इंस्टॉल हो जाता है।